फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर फैमिली चैनल फिजिकल एजुकेशन नेट JRF। आज हम वस्तुनिष्ठ लक्ष्य शारीरिक शिक्षा में चैप्टर नंबर 17 के विभिन्न क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी वीडियो की। आज हम राष्ट्रमंडलीय खेल यानी कॉमनवेल्थ जो गेम्स है उसके विभिन्न क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है जो देश कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हो या जिन पर इंग्लैंड ने राज किया हो, राष्ट्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, राष्ट्रमंडल खेलों में कौन से खिलाड़ी भाग ले सकते हैं? ठीक है, तो इसका जो है आंसर है, इन खेलों में केवल वो ही खिलाड़ी भाग ले सकते हैं जो किसी राष्ट्रमंडलीय देश के निवासी हो। क्वेश्चन नंबर थ्री, राष्ट्रमंडल खेलों का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य खेल इसका प्राचीन नाम था। क्वेश्चन नंबर फोर, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब और कहाँ आयोजित हुए थे? तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल जो है 1930 हैमिल्टन यानी कनाडा में इसको आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर फाइव, राष्ट्रमंडल खेलों का सचिव कौन है? तो डेमे लुइस मोर्टिन जो है राष्ट्रमंडल खेलों के सचिव है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सर्वप्रथम भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया था? तो भारत ने जो है 1934 जो लंदन राष्ट्रमंडल खेल थे उसमें भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर सेवन, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की ओर से पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो भारत की ओर से पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? यह हमारा मिल्खा सिंह ने जीता था। क्वेश्चन नंबर एट, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो यह भी हमारा 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। क्वेश्चन नंबर नाइन, ऐसा कौन सा खेल है जिसमें भारत ने अपना वर्चस्व लगातार बनाए रखा है? तो राष्ट्रमंडल में जो है रेसलिंग में भारत ने आज भी अपना वर्चस्व बनाए रखा है। क्वेश्चन नंबर टेन, वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडलीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 2010 के जो राष्ट्रमंडलीय खेल थे वो नई दिल्ली यानी भारत में इसको आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर इलेवन, 19वें राष्ट्रमंडल खेलों में कितनी खेल स्पर्धाएं शामिल होगी? ठीक है, तो 19वें राष्ट्रमंडल खेल जो है 2010 में जो आयोजित खेल हुए थे उसमें जो है 17 खेल स्पर्धाएं, ठीक है, यहाँ इसको आप ठीक कर लेना, यानी ये जो है 17 खेल स्पर्धाएं थी, ठीक है, ये भी गलत लिखा हुआ है, 17 खेल स्पर्धाएं थी जो 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में खेली गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, सैफ या दक्षेस खेलों का प्रेरणा स्रोत किसे माना जाता है? तो यह जो है राजा भालेंद्र सिंह को इन खेलों का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, राजा भालेंद्र सिंह किस संघ के अध्यक्ष है? ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर ठीक कर लेना। तो राजा भालेंद्र सिंह जो है किस संघ के अध्यक्ष रहे हैं? तो ये जो है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। स्टूडेंट्स, एक बार आप इसको ठीक कर लेना, क्वेश्चन नंबर जो है 13, ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। इसमें क्या है, भालेंद्र सिंह जो है किस संघ के सदस्य रहे हैं? ठीक है, ये सदस्य कर लेना अध्यक्ष की जगह, किस संघ के सदस्य रहे थे? भारतीय ओलंपिक संघ के जो है ये सदस्य रहे हैं। कब? 1947 में जो है भालेंद्र सिंह जो है इसके सदस्य रहे। ये एक क्रिकेटर थे और महाराजा भूपेंद्र सिंह के पुत्र थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सैफ खेल प्रथम बार कब और कहाँ पर आयोजित हुए थे? तो 1984 काठमांडू नेपाल में इनको पहली बार आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम सैफ खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था?
तो पहले जो है 8 देशों ने इसमें भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 16, अब तक कुल कितने सैफ खेलों का आयोजन हो चुका है? तो कितने सैफ खेलों का आयोजन हुआ है? 10 सैफ खेलों का अब तक आयोजन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17, सैफ, ठीक है यहाँ पे इसको ठीक कर लेना। तो सैफ खेलों का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सैफ खेलों का मुख्यालय जो है काठमांडू यानी नेपाल में इसका मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, किस नए देश ने सैफ खेलों की सदस्यता प्राप्त की है? तो अफगानिस्तान ने जो है सैफ खेलों की सदस्यता प्राप्त कर ली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, सैफ खेलों का मोटो क्या है? ठीक है, तो 3P के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट है पीस और प्रीसर्वेंस एंड प्रोग्रेस, ठीक है। तो आप जो बीच में है इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम प्रोस्पेरिटी, ठीक है। दूसरे अगर इसकी बात करें तो प्रोस्पेरिटी भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सैफ खेलों का नाम कब बदला गया और इनका क्या नाम रखा गया? तो सन 2004 को इस्लामाबाद में इनका नाम दक्षिण एशियाई खेल कर दिया गया है, ठीक है। अब इसको हम दक्षिण एशियाई खेल के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एफ्रो एशियाई खेल क्या है? तो अफ्रीका एवं एशिया महाद्वीपों के मध्य संयुक्त राज्य खेल प्रतियोगिता खेली जाती है, यह एक ऐतिहासिक संबंध माना जाता है। यानी जो अफ्रीका और एशिया के बीच में जो खेल हो जाते हैं उनको हम एफ्रो एशियाई खेल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम एफ्रो एशियाई खेल कब खेले गए थे? तो प्रथम एफ्रो एशियाई खेल जो है 2003 में खेले गए थे। क्वेश्चन नंबर 23, पहले एफ्रो एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित हुए थे? तो पहले एफ्रो एशियाई खेल जो है हैदराबाद यानी भारत में इनका आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम एफ्रो एशियाई खेलों में कितनी खेल स्पर्धाएँ शामिल थी? तो 8 जो है खेल स्पर्धाएँ इसमें शामिल थी। क्वेश्चन नंबर 25, प्रथम एफ्रो एशियाई खेल का आयोजन किस स्टेडियम में हुआ था? तो यह किस में होता है, यह हैदराबाद के GMC बालियोगी स्टेडियम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम एफ्रो एशियाई खेलों में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया था? तो चीन ने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया था, 25 स्वर्ण पदक इस देश ने जीते थे। क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम एफ्रो एशियाई खेलों के उद्घाटन की घोषणा किसने की थी? तो यह किसने की थी, राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इसकी घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 28, दूसरे एफ्रो एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित हुए थे? दूसरे एशियाई खेल से सन 2007 में दूसरे खेलों का आयोजन किया गया था, ठीक है, जो अल्जीरिया में हुए थे। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, दूसरे एफ्रो एशियाई खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? तो ये अल्जीरिया देश में आयोजित किए गए थे। तो आज का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। मैं अपने व्यूवर से एक बार फिर बोल देना चाहता हूँ कि आपको अगर इस वीडियो के या किसी भी वीडियो के क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और आप इन सभी वीडियो को उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें जो अभी उत्तर प्रदेश TGT और PGT की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।